दो चीज़ हुई है इस बार। एक तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार कटक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के जीती है। दूसरी ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते यहाँ भी विजयी घोषित हुआ हूँ। सरकार तो बना रही है भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में, तो जो डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हम घोषणा किए थे मोदी जी के आशीर्वाद से, वो वास्तव रूप ले रहा है और काफ़ी काम करनी है अगले 5 साल में। और जो काम पिछले 25 साल से नहीं हो सका वो ये 5 साल से करके दिखाएंगे, ये घोषणा खुद प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। ज़रूर ज़रूर जो 4-5 मुद्दे चर्चा में थी इलेक्शन के कैंपेन के समय वो ज़रूर होगा। 10 तारीख को सरकार की शपथ ग्रहण होगी और 6 घंटे में 4 द्वार खुलेंगे श्री मंदिर के। उसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं, रत्न भंडार के जो चाबी खो गया है उसको ढूंढ के निकालेंगे, जो रिपोर्ट जुडिशियल कमीशन की जो रिपोर्ट है उस बारे में वो भी पूरा खुलासा होगा लोगों के सामने। उसके साथ बाकी जो चीज़ें थी, चिटफंड के जो चोरी हुई है, लोगों की पैसा गुम हुई है, लोगों को वापस किया जाएगा और उसके साथ भी जो कल्प्रिट है उनको भी सजा दी जाएगी। एक तो लोगों ने अस्मिता का पुनर्स्थापन किया, मैंने उस समय कहा था, निवेदन भी किया था, प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में कहा था कि उड़िया अस्मिता आज डेंजर में है। सरकार बदल जाने के बाद अब उड़िया अस्मिता को पुनर्स्थापन करने के लिए जो जो चीज़ें हमको करना है, जो बीजेडी सरकार नहीं कर रहा था वो हम करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि खुर्दा के बरुणई पहाड़ के नीचे जो पाइको एकेडमी 100 करोड़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिए हैं, वो अब तक एक वॉल भी चारों ओर नहीं बना सका, जगह भी सही ढंग से दिया नहीं। इस हिसाब से ये तो काम पहले चरण में ये हो जाना चाहिए, वो होगा भी। मैसेज है कि जगन्नाथ जी के कृपा से ये सारे जो हमारे मन में था वो जगन्नाथ जी ने पूर्ण किया। उस हिसाब से उनकी ख्याति और व्याप्ति को और आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा उद्यम करेंगे।